हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्लोइंग सोशल मीडिया आइकन फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं सेटिंग तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ब्लैक कलर के बैकग्राउंड एड कर लेना है। बैकग्राउंड एड होने के बाद टूल्स पर जाके क्रॉप पर जाना है और इसे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद अब चलना है एड फोटो पर और यहाँ से अपनी फोटो के कटआउट को एड कर लेना है। ऐड होने के बाद इसे जूम करना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। फोटो को इस तरह एडजस्ट करना है कि जिस तरफ मुंह का डायरेक्शन है उस तरफ ज़्यादा बैकग्राउंड रहे। तो एडजस्ट होने के बाद अब ड्रॉ टूल पर जाना है। ड्रॉ टूल पर आने के बाद ब्रश के एडजस्टमेंट में जाना है, इसकी साइज को फुल करना है, हार्डनेस कम करना और जूमेबिलिटी को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेयर पे जाके ट्रांसफॉर्म पे चलना है और इसे जूम कर लेना है। इसे जूम करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसे डन कर लेना है। और अभी चलना है ऊपर की तरफ टूल्स पे और यहाँ से एडजस्टमेंट पे आना है। एडजस्टमेंट पे आने के बाद सिचुएशन पे आना है और इसको पूरा कम कर लेना है। कम करने के बाद इसे कर देना है डन। डन करने के बाद अब अपने नेट को ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद चलना है स्टिकर पे। स्टिकर पे आने के बाद यहाँ पर सर्च पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम लाइक। इंस्टाग्राम लाइक सर्च करने के बाद यहाँ पर जो भी रिजल्ट आते हैं उन्हें नीचे की तरफ चलना है और एक 3D लाइक के बटन के PNG को ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद इसे इस तरह से राइट साइड में एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छे से एडजस्ट करना है और एडजस्ट होने के बाद साइड में क्लिक करना है और फिर से स्टिकर पे चलना है। और अब यहाँ पे सर्च करना है लाइट फ्लेयर। लाइट फ्लेयर सर्च कर लेना है। यहाँ पर सर्च होने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ चलना है और नीचे उतरने के बाद ये रेड और पिंक कलर का लाइट का PNG मिलेगा, इसे ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद इसे अपने आइकन के ऊपर एडजस्ट करना है और ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देना है। अब चलना है इसकी ओपेसिटी पे और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है। फिर से साइड पे क्लिक करना है और स्टिकर पे चलना है। अब यहाँ पर सर्च करना है वाइट पार्टिकल्स। वाइट पार्टिकल सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आना है और इस वाले पार्टिकल के PNG को ऐड कर लेना है। ये ऐड होने के बाद इसे रोटेट करना है अपने आइकन की डायरेक्शन के अनुसार। एडजस्टमेंट पे जाके ह्यू पे जाना है और इसका कलर आइकन के कलर से मैच होते हुए रख लेना है। अब इसकी ब्लेंडिंग पे जाना है और ब्लेंडिंग को स्क्रीन कर लेना है। इसको आइकन के ऊपर एडजस्ट करना है और इरेज पे चलना है। अब इरेज करने के बाद इसे इन्वर्ट कर देना है और रिस्टोर पे जाके ब्रश की साइज और हार्डनेस को एडजस्ट करके अभी ड्रॉ कर लेना है। ऊपर की तरफ लाइन सी दिख रही है तो इसे इरेज पे जाके इरेज कर लेना है कॉर्नर पर से और इसे कर देना है डन। डन करने के बाद अब चलना है ओपेसिटी पे और इसको भी थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद इसे भी यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद अब नीचे की तरफ आना है ड्रॉ टूल पे और ड्रॉ टूल पे आने के बाद अब कलर वाले पे क्लिक करना है और कलर पिक वाले टूल पे क्लिक करके अपने आइकन के कलर को पिक कर लेना है। पिक करने के बाद अब एडजस्टमेंट पे जाके इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है, हार्डनेस को कम करना है और जूमेबिलिटी को ऑन कर लेना है और अब अपनी फ़ोटो पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ होने के बाद अब लेयर्स पे चलना है और इस लेयर की ब्लेंडिंग पे चलना है और इसे ओवरले कर लेना है तो हमारे फ़ोटो पर लाइटिंग आ जाएगी और इसे कर लेना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब ऊपर चलना है टूल्स में और यहाँ से एडजस्टमेंट में चलना है। यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के अनुसार। इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेता है,
लेना और स्ट्रेस थोड़ा कम कर लेना। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ह्यू पे आके चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। तो इसे अब कर लेते हैं डन। डन करने के बाद हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।